और 2015 इस पार्टी का गठन हुआ, अभी झारखंड जितेंद्र प्रदेश स्तर पे हम लोग आपसे बात कर रहे हैं और अध्यक्ष जी हम लोग मौजूद हैं। जो पार्टी की आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी को हम लोग झारखंड में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दो तीन मुद्दे हैं जिसमें हम लोग बात करने के लिए आप लोगों को आज आमंत्रित किया है। सबसे पहली बात की कुछ मनोमय था कि आपके सामने हो गया। इसके अलावा रामगढ़ में जो चुनाव हो रहा है पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया है और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे हैं उनके निर्देश पर जो समर्थन हम लोग को करना है दोनों ही जो पक्ष है यूपीए का और एनडीए का कि पार्टी जो समर्थन करेगी वो किसका करेगी। हम लोग फीडबैक राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे रहे हैं और उनका निर्देश आने के बाद चुनाव के पहले अपने समर्थन की घोषणा हम लोग करेंगे कि किस कैंडिडेट को हम समर्थन देने जा रहे हैं। दूसरा मुद्दा है यहाँ के शिक्षा और रोजगार को लेकर के युवाओं का जो समस्या है कि कोई भी युवा वर्ग को 5-7 साल तैयारी करने के बाद अगर स्टेट एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो करने के बाद अगर परीक्षाएं टल जाए स्थानीयता के मुद्दे पर, डोमिसाइल के मुद्दे पर और बहुत सारे और टेक्निकल रीजन है उसको लेकर, तो पार्टी ये डिमांड करती है कि युवाओं के जो मामले हैं शिक्षा और रोजगार को लेकर के हेमंत सरकार को एडवाइस है कि आप कृपया ये जो बार बार जो परीक्षाओं का टलना हो रहा है ये राज्य के युवाओं के हित में नहीं है, जरा इसको चेक एंड बैलेंस करें। अब आते हैं 1932 को लेकर के झारखंड में जिस ढंग का माहौल बना हुआ है और जिस ढंग का आंदोलन चला है पार्टी सैद्धांतिक रूप से 1932 का समर्थन करती है। और जो मामला है कि जो मसौदा गवर्नर के यहाँ से गया था और जो टंडा हुआ है हाईकोर्ट में, गवर्नर ने भी बैक किया है। हम लोग जो हेमंत सरकार है उनको एक एडवाइस देना चाहेंगे पार्टी स्तर पर कि आपका जो लीगल सेल है आप उसको जरा रेक्टिफाई कीजिए। जो लोग आपको लीगल एडवाइस दे रहे हैं इस तरह के मसौदों को बनाने के लिए आप जरा उनको रिन्यू कर दीजिए, क्योंकि आप कैसा ड्राफ्टिंग करवाते हैं कि वो हाईकोर्ट से टर्न डाउन हो रहा है, गवर्नर आपको बैक कर रहे हैं। गवर्नर जो बैक कर रहे हैं उसमें थोड़ा हम लोग पॉलिटिकल एंगल देख रहे हैं, पार्टी उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेगी, लेकिन जो बातें हाईकोर्ट से टर्न डाउन होकर के आ रही है ये मामला मतलब फुली लीगल है। तो जरा जो सीएम झारखंड है उनको जरा देखना चाहिए कि क्यों ये लीगली ये अपडेट नहीं हो रहा है, क्यों ये टर्न डाउन हो रहा है। ये दो तीन मुद्दे हैं जिसपे हम लोगों ने आपको ब्रीफ कर दिया है। जन अधिकार पार्टी जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री पप्पू यादव जी हैं, झारखंड की जो जिम्मेवारी उन्होंने दी है मुझे, झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया है, मैं आज के बोकारो इस स्थान रांची इस स्थान से मैं इसकी शुरुआत आगाज कर रहा हूं। मैं सदस्यता अभियान मैंने शुरू कर दिया है, जल्दी ऑनलाइन भी शुरू होगा। और वैसे युवा लोग इस वक्त रफ्तार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कहीं न कहीं छले हुए हैं, किसी पार्टी में उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया है, कहीं पार्टी में उन्हें दरकिनार किया गया है। मैं उन सबों का स्वागत करता हूं अपने पार्टी में और मैं उन्हें आमंत्रण करता हूं कि आप आएं, बढ़ चढ़कर हमारे पार्टी में जुड़े। मैं सच्ची आपकी भागीदारी, सच्ची मेहनत जो अपने क्षेत्र में आप जो काम करते हैं मैं वो प्लेटफॉर्म आपको दूंगा। और बहुत जल्द प्रदेश कमेटी की शुरुआत हो गई है, 2-3 लोगों की आज जो घोषणा हुई है, इसके बाद लगातार पूरे स्टेट की कमेटी बनेगी, परमंडली जिला अध्यक्ष की कमेटी बनेगी, उसके बाद हर वो इश्यूज पे जिस पे यहाँ के दलित आदिवासी माइनॉरिटी ओबीसी छोटे तबके के लोग, जो फुटपाथ के लोग जो छले जा रहे हैं लगातार, उन पे जो जुल्म हो रहा है उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, उनकी जो भागीदारी होनी चाहिए उन्हें जो नहीं मिल रही है उनकी आवाज़ जन अधिकार पार्टी पुरजोर तरीके से झारखंड में आवाज़ उठाएगी और उनके हक दिलाने के लिए हम तैयार हो गए। और बहुत तेज़ी से लोग सदस्य बन रहे हैं इसमें और बहुत जल्दी बहुत बड़ा संगठन बनेगा और 24 के इलेक्शन के लिए हमारी पार्टी तैयार है। मेन एजेंडा क्या है आप लोग का झारखंड के लिए? मेन एजेंडा हमारा इस वक्त है जो बेरोजगारी की बात आ रही है, जो जिनका जिनकी भाग ज्यादा भागीदारी उनकी हिस्सेदारी वो होनी चाहिए। बहुत सारे जो अब इस वक्त जो सरकार की योजनाएं हैं जो धरातल तक नहीं पहुंची है,
हम उनसे आग्रह करेंगे, आपके माध्यम से भी आग्रह करेंगे कि उनकी जो योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने में हमारी पार्टी पुरजोर सहायता करेगी उनकी, और उनको मदद करने के लिए जन जन तक, गांव गांव तक हमारी योजनाएं, हमारे जो बातें हैं, हमारा मंसफोलियो जो होगा वो हम पहुंचाने का काम करेंगे। नई नई पार्टी है और अनेक समस्याएं यहां पे झारखंड में, कैसे काम कर पाएगी? बिल्कुल मैं तैयार हूँ। मैं झारखंड के छोटे छोटे गाँव से, छोटे छोटे अलग अलग राज्य, अलग अलग जिलों के गाँव से, पंचायतों से मैं वाकिफ हूँ। मैं यहाँ की समस्याओं को जानता हूँ। एक डॉक्टर होने के नाते मैं हर इन चीज़ों को समझता हूँ कि दुख, दर्द, तकलीफ और परेशानी क्या है। तो मैं एक डॉक्टर को वो कला है कि तकलीफ को समझ सकता है, और मैं वह समझ के मैं अपनी पार्टी को यहाँ पे स्थापित जरूर करूँगा। सर, रामगढ़ चुनाव में छात्र बीस बार चुनावी मैदान में, जन अधिकार पार्टी क्या उनका समर्थन करेगी? देखिए, समर्थन को लेकर के अभी हम लोग पहले भी स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि हम लोग किसी ना किसी का समर्थन जरूर करेंगे पार्टी।